हेलो गाइस, अपना अपने यूट्यूब चैनल बेस ऑफ लव में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों एसएसबी प्रेडमेंट ऑनलाइन अप्लाई के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ दोस्तों रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट फॉर्म तक आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसलिए आप लोग को वीडियो बिना स्किप करके अंत तक देखते रहना और बने रहना। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जिस चैनल आप देख रहे हो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इन द गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देने को भी मिलता रहेगा और पूछता रहेगा। और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले। तो दोस्तों, देख सकते इसका लास्ट डेट होने वाला था 20 मई 2023 से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और 18 जून 2023 पहले आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा दोस्तों। इसके लिए पोस्ट नेम आया था, आप लोग को पता होगा दोस्तों, देख सकते इसमें बहुत सारा पोस्ट है। तो किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर लेना हो। तो दोस्तों, ये लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो दोस्तों डायरेक्ट इस तरफ से आप लोग को इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा एसएसबी या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो मैंने ऑलरेडी अप्लाई कैसे करने रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट फॉर्म का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, वो वीडियो आप लोग को ये वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा, वो वीडियो देख लेना। देने के बाद आप खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो चलो दोस्तों, वीडियो बिना टाइम मिस करके चलो आगे बढ़े, लेट गेट स्टार्टेड। तो पहले इस तरफ से इंटरफेस देने को मिलेगा, ये मैं आप लोग को बताऊँ ये एसएसबी ट्रेडमेंट पोस्ट है। तो अप्लाई करने के लिए सिंपली से अप्लाई बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों डायरेक्ट इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो दोस्तों एडवर्टाइज बटन पर क्लिक करके एडवर्टाइज नंबर ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी एडवर्टाइज मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। पहले आप लोग को अप्लाई करने से पहले आप लोग को रजिस्टर करना होगा दोस्तों, सिंपली से रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे रजिस्टर बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। वो दोस्तों देख सकते हैं खुल के आ चुका है दोस्तों। ये आप लोग को वन बाय वन करके सारे आप लोग को फिलअप करना होगा दोस्तों। तो कैसे फिलअप करना है आप लोग को स्किप ना करें, आप लोग को एंटर देते रहना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो कैसे फिलअप करना है आप लोग को डाउट नहीं सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। इसलिए आप लोग को बिना स्किप करके आप लोग को एंटर देते रहना। तो दोस्तों, पहले आप लोग को कैसे फिलअप करना है मैं आप लोग को बताता हूँ वन बाय वन कर। पोस्ट सेलेक्ट, पहले किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो दोस्तों, इस पर आप लोग को बहुत सारा पोस्ट देने को मिलेगा, जितना ट्रेडमेंट पोस्ट में आया है तो इस पर आप लोग को देने को मिलेगा। तो आपको भी अपने हिसाब से पोस्ट नेम सेलेक्ट कर लेना। तो चलो, मैं आज सेलेक्ट करने वाला हूँ दोस्तों कुक, कॉन्स्टेबल कुक में अप्लाई करके दिखाने वाला दोस्तों। मैंने कॉन्स्टेबल कुक मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा दोस्तों। पहले इस पर आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से फर्स्ट नेम डाल देना, अगर मिडिल नेम है तो डाल सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। उसके बाद लास्ट नेम डाल देना दोस्तों। उसके बाद इस पर आपका फादर नेम डाल देना आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से दोस्तों। उसके बाद मदर नेम, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना, इस कैलेंडर को ऊपर क्लिक करके आपका डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद इस पर आपका जेंडर क्या है, मेल एंड फीमेल, आपको भी आपके हिसाब से सेलेक्ट कर देना, दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बोथ अप्लाई कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल। तो मैं मेल हूँ, मेल सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद इस पर आपका नेशनलिटी आपको पढ़ाएगा दोस्तों, इंडियन सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद इस पर आपका रिलीजन क्या है, रिलीजन का मतलब आपका धर्म जाति के हिंदू मुस्लिम सिख आप लोग को देने को मिलेगा, तो आपको भी आपके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर आपका मैरिटल स्टेटस, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिट एंड अनमैरिट, तो आपको भी आपके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसका इसमें आपका कैटेगोरी क्या है, आपका कास्ट क्या है, कैटेगोरी देने को मिलेगा, जनरल, यू आर, ई डब्ल्यू एस, ओ बी सी, एस सी, एस टी, आपको भी आपके हिसाब से सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद इसमें बोला गया है दोस्तों नंबर, विदर यू बिलोंग टू कम्युनिटी गर्खोलिस कुमुनिस गोरखास दरघास माराथास में अगर बिलोंग करते हैं तो आप लोग को यस कर देना, आप लोग अदरवाइज नो कर लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों विदर डोमिसाइल ऑर्डिनरी इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग 1982-1989, अगर जम्मू एंड कश्मीर में अगर 1982-1989 में अगर बिलोंग करते हो मतलब रह रहे हो तो आपका यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो, मैंने नो कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें भी बोला गया है दोस्तों, वेदर अफेक्टेड इन 1984 रायट और कम्युनल रायट ऑफ 2002 गुजरात। रायट का मतलब आप लोग को अटैक भी कहा जाता है, चिल्ड्रेन आपका विक्टिम भी कहा जाता है, जैसे कि अटैक हुआ है तो अगर है तो आप लोग को यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन है तो सिंपली आप लोग को यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो, मैं नो कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक सर्विसमैन नहीं हूँ। नेक्स्ट बात करेगा तो दोस्तों देख सकते हैं, विदर डिपार्टमेंट कैंडिडेट विथ 3 ईयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन जनरल गवर्नमेंट। इसमें बताया गया दोस्तों, अगर इस एसएसबी डिपार्टमेंट में अगर 3 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है तो काम करे तो आपको यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना दोस्तों। सिंपली से मैंने नो कर दिया क्योंकि मैं काम नहीं करता दोस्तों। इसमें बोला गया 2 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इज
रेस्पेक्टिव ट्रेड आप लोग को सिंपली आप लोग को ये यस करना जरूरी है, क्योंकि इस ट्रेड के लिए आप लोग को स्किल टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों। आपको स्किल टेस्ट के लिए आपका एक्सपीरियंस है क्या नहीं इसमें पूछा गया, तो आप लोग को यस करना होगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें बोला गया दोस्तों, फिर से आप लोग को दोस्तों देख सकते हो, वन ईयर सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंडस्ट्रियल, जो लोग ITI पोस्ट के लिए अगर अप्लाई, जो लोग कारपेंटर के लिए अप्लाई कर लेते हो दोस्तों, फॉर एग्जांपल करके बहुत सारा पोस्ट है, अगर कारपेंटर लोग के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग को ये सब आप लोग को यस करना होगा दोस्तों। अगर यस है तो, अगर आप आता है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। तो चलो मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सर्टिफिकेट भी है इसलिए मैं यस कर दूंगा दोस्तों। आपको भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद इस पर आइडेंटिटी प्रूफ, इस पर आइडेंटिटी प्रूफ एक सेलेक्ट करना है दोस्तों, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आपको बहुत सारे देखने को मिलेगा। तो आपको भी आपको सबसे जो भी ID प्रूफ आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो चलो मैंने आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। जो भी ID प्रूफ सेलेक्ट करोगे तो दोस्तों इस पर आपका ID प्रूफ का नंबर आपको डालना होगा दोस्तों। उसके बाद इस पर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आइडेंटिफिकेशन मार्क का मतलब आप लोग को पता होगा दोस्तों, आपका बॉडी में काटा होता है कि अगर स्पॉट भी होता है, मॉल भी होता है, तो आपको भी आपको हिसाब से डाल देना, अदरवाइज आप लोग को NIL करके भी नील लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर मोबाइल नंबर डाल देना, इसके बाद इस पर ईमेल आईडी डाल देना। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, एक्टिव ईमेल आईडी एक्टिव मोबाइल नंबर डाल देना, क्योंकि एक्टिव मोबाइल नंबर एक्टिव ईमेल आईडी पर सारी इन्फॉर्मेशन सेंड किया जाता है दोस्तों, इसलिए आप लोग को एक्टिव ईमेल आईडी एक्टिव मोबाइल नंबर डालना जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल अभी सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। पहले इस पर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिलअप करने के लिए मैं आप लोग को बताता हूँ, ज्ञान से आप लोग को देख लेना, बहुत सारा कैंडिडेट इसमें डाउट क्लियर नहीं होता है दोस्तों। पहले इस पर आपका इंस्टीट्यूट का नाम दोस्त लिख सकते, क्वालिफिकेशन मतलब आपका क्लास टेन कौन सा स्कूल में, स्कूल कॉलेज का नाम आप लिख सकते हैं दोस्तों, इस पर आपका लिख लेना है दोस्तों। आपका स्कूल कॉलेज का नाम भी लिख सकते हैं, अगर स्कूल का नाम भी लिख सकते हो, आपका बोर्ड किस बोर्ड से अपने पास के वो भी लिख सकते हो, अदरवाइज आपका जो स्कूल कॉलेज का नाम भी डाल सकते हो दोस्तों, इस पर आपको फिलअप कर देना। उसके बाद इस पर आपका कौन से ईयर में आपने क्लास टेन पास किया है वो आपको फिलअप कर देना दोस्तों। उसके बाद इस पर क्लास टेन का रोल नंबर इस पर फिलअप कर लेना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर क्लास टेन का आपका सर्टिफिकेट नंबर मार्कशीट में भी मिलेगा और पास सर्टिफिकेट में भी आपको सीरियल नंबर मिल जाता है दोस्तों, वो आपको हिसाब से आपको फिलअप कर लेना दोस्तों। उसके बाद इस पर आपका मार्कशीट पर आप लोग को देने को मिलेगा डेट ऑफ इशू, क्लास टेन मार्कशीट आपने कब इशू किया इस पर आपका मार्कशीट पर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर फिलअप कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर आपको सिंपली से सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। इस पर आप लोग को अगर क्लास टेन में अगर साइंस आपका सब्जेक्ट साइंस है तो आप लोग को मेन सब्जेक्ट है तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना, अदरवाइज आप लोग को एनी सब्जेक्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना। तो चलो मेरा मेन सब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस पर आपका परसेंटेज, आपका क्लास टेन में आपका परसेंटेज कितना है, जैसे कि 80% 90% होता है दोस्तों, जितना आपका परसेंटेज है तो इस पर आपको आपका परसेंटेज आपको फिलअप कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों क्लास 12 डिग्री डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल भी अगर देना चाहते हैं तो दोस्तों इस पर आप लोग को सारी आप लोग को दे सकते हो, सेम जैसे क्लास टेन आप भर रहे हो दोस्तों, सेम इसी तरह आप लोग को कोई डिफरेंस नहीं है दोस्तों, तो आपको भी आपको हिसाब से इस तरह से आप लोग को फिलअप कर लेना। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से सारी फिलअप कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटक से फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो सारी मैंने फिलअप कर दिया दोस्तों। फिलअप करने के बाद दोस्तों इस तरफ से देने को मिलेगा दोस्तों, देख सकते हो मेरा स्कूल का नाम मैंने लिख दिया, उसके बाद इस पर आपका मेरा कौन सा ईयर में मैंने पास किया मैंने डाल दिया, उसके बाद इसमें मेरा रोल नंबर, उसके बाद मेरा सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद डेट ऑफ इशू, मेरा सब्जेक्ट, मेरा परसेंटेज मैंने डाल दिया दोस्तों। सेम इसी तरफ आप लोग को भी फिलअप कर देना दोस्तों। सारी फिलअप करने के बाद सिंपली से नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। अभी कम्युनिकेशन एड्रेस आप लोग को फिलअप करना होगा दोस्तों, कम्युनिकेशन एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है, कम्युनिकेशन एड्रेस इस पर इस तरफ से आप लोग को देने को मिलेगा। तो पहले आपका विलेज का नाम डाल देना, उसके बाद इस पर आपका पोस्ट ऑफिस का नाम, उसके बाद आपका TCL का नाम डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज और भी सकते हैं, इसमें कोई कंपलसरी नहीं हुए क्योंकि स्टार मार्क नहीं है दोस्तों। उसके बाद पुलिस स्टेशन डाल देना, उसके बाद दोस्तों आपका स्टेट, आपका इंडिया में जितना स्टेट है इस पर आप लोग को देने को मिलेगा, तो आपको भी आपको हिसाब से आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना। तो चलो मैं आसाम से मैंने सेलेक्ट कर दिया दोस्तों। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, फिर से आप लोग का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, आपको भी आपको हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना दोस्तों। उसके बाद इस पर आपका एरिया का पिन कोड नंबर डाल देना दोस्तों। अगर आपका एरिया का पिन कोड डालने के बाद दोस्तों आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली से आप लोग को यस बटन पर क्लिक कर देना, ऑटोमेटिकली इस पर फिलअप हो जाएगा, अदरवाइज आप लोग को सिंपली से आप लोग को नो कर देना। परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अलग अलग से आप लोग को फिलअप करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों, आपको भी आपको हिसाब से आपका एड्रेस कम्युनिकेशन आपको डाल देना दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे तो दोस्तों, हैव यू एवर बीन देयर बाय UPSC SSC और SPSC और एनी रिक्रूटमेंट बोर्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन एनी एग्जाम, है तो देयर में मतलब आपको पता होगा दोस्तों, ये आप लोग को सारी आप लोग को नो करना होगा दोस्तों।
उसके बाद इसमें अगर बात करेंगे तो इसमें बोला गया है दोस्तों आपके ऊपर में क्रिमिनल के बारे में, आप क्रिमिनल केस के बारे में आपको पूछा गया है दोस्तों। आपके ऊपर में आपको हाई कोर्ट में, कोर्ट में अगर आपके ऊपर में अगर क्रिमिनल केस के रिकॉर्ड है तो आपको यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा जितना इस बार आप लोग को देख रहे हो दोस्तों, ये सब आप लोग को नो कर देना दोस्तों, क्योंकि अगर यस करोगे तो आप लोग का एडमिट कार्ड निकल कर नहीं आ जाएगा दोस्तों। इसमें बताया गया दोस्तों आपका ऊपर में क्रिमिनल केस कोर्ट में, अगर क्रिमिनल केस में पेंडिंग है तो पुलिस अंदर पुलिस रिकॉर्ड में केस है तो इस पर आप लोग को देखने को मिलेगा, तो आप लोग को ये सब आपको नो कर देना दोस्तों, क्योंकि यस करने से भी आप लोग को एडमिट कार्ड निकल कर नहीं आ जाएगा दोस्तों। मैं आप लोग को साफ साफ बताना चाहूंगा दोस्तों। उसके बाद इस पर आपका पासवर्ड क्रिएट करना होगा दोस्तों। पासवर्ड दोस्तों देख सकते हैं, इस पर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद दोबारा से आपको पासवर्ड कंफर्म कर देना दोस्तों। पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है दोस्तों, इसमें दोस्तों देख सकते हो पासवर्ड 6 कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब आप लोग को पता होगा दोस्तों ABA से लेके आप लोग को A2 से लेके जब तक ही यही है आप लोग को कैरेक्टर बोला जाता है, कहा जाता है, और अल्फाबेट कैरेक्टर भी कहा जाता है दोस्तों। आप लोग को सिर्फ आप लोग को 6 कैरेक्टर आप लोग को इस पर आप लोग को अपना मर्जी से आपका हिसाब से आपको 6 कैरेक्टर आप लोग को पासवर्ड क्रिएट कर लेना, उसके बाद दोबारा से कंफर्म कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इस दो मार्क आप लोग को दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, इस पर आप लोग को दोनों में आप लोग को इस तरफ से आप लोग को 3 मार्क कर लेना दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। तो चलो दोस्तों आपको भी आपको हिसाब से सारी फिलअप कर लेना, तो चलो मेरा हिसाब से मैं फटाक से फिलअप कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो सारी मैंने फिलअप कर दिया दोस्तों। सारी फिलअप करने के बाद आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, पासवर्ड भी मैंने क्रिएट कर लिया, उसके बाद सिंपली से प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे प्रोसेस बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन देने को मिलेगा, तो ये आप लोग को फाइनल सबमिट करने से पहले आप लोग को अच्छा से देखना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर एक बार सबमिट करने से भी आप लोग को दोबारा से आप लोग को करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलने वाला है दोस्तों, इसलिए आप लोग को ये ज्ञान से देख लेना दोस्तों। तो चलो मैं अच्छा से मैं देख लेता हूँ फाइनल सबमिशन करने से पहले। तो दोस्तों देख सकते हो मैंने अच्छा से मैंने देख लिया दोस्तों, अगर जो भी आपके डिटेल में आपका पर्सनल डिटेल, आपका नाम जो भी अगर गलत होने से भी आप लोग को एडिट कर सकते हैं दोस्तों। फाइनल सबमिशन करने से पहले एडिट डिटेल बटन पर सिंपली से क्लिक करके जो भी गलत है आपका पर्सनल डिटेल आपको फिर से एडिट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इस दोनों के ऊपर टिक मार्क कर देना दोस्तों। देख सकते हो जैसे मैं टिक मार्क कर लूँ उस तरफ से टिक मार्क कर देना दोस्तों। उसके बाद ये कैप्चा आपको देख रहे हैं दोस्तों, सिंपली से इस पर कॉपी कर लेना दोस्तों। तो फाइनल सबमिशन करने से पूरा पूरा अच्छा से देख लेना दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, क्योंकि अगर एक बार सबमिट करने से भी आप लोग को दोबारा से आप लोग को करेक्शन ऑप्शन नहीं मिलने वाला है दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया दोस्तों। तो सारी चेक करने के बाद सिंपली से दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, सबमिट एप्लीकेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करो तो इस तरफ से पूछा जाएगा, ओके बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना, फिर से आप लोग को दोबारा से ओके बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली सबमिटेड हो चुका है दोस्तों मेरा फॉर्म। तो अभी क्या बाकी फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा दोस्तों। देख सकते हो ऊपर भी दोस्तों देख सकते हो फाइनली SMS भी आ चुका है दोस्तों। तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए इसमें साफ साफ बताया गया है दोस्तों, आपका फोटो जो है अपलोड कर लेंगे दोस्तों आपको क्लियर होना जरूरी है दोस्तों, इसमें साफ साफ बताया गया है दोस्तों। देख सकते हो नो मोर देन 6 मंथ ऑल, आपका पुराना फोटो आप लोग को 6 मंथ 6 महीना के ज्यादा आप लोग को फोटो अपलोड नहीं करने के लिए इसमें सबसे बताया गया दोस्तों। फोटो की बात करें तो मिनिमम लेस देन 500 KB आप लोग को दोस्तों देख सकते हो, लेस देन 500 KB आप लोग को फोटो अपलोड करना होगा दोस्तों। फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली से आप लोग को क्या करना है दोस्तों, चूज फाइल बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे चूज फाइल बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जहाँ पे आपका फोटो साइज बना के रखा है तो आपको भी आपको हिसाब से आपका फोटो सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। तो चलो मेरा फोटो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों, देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो ऑटोमेटिकली आ चुका है दोस्तों। कई सारे कैंडिडेट डाउट रहता है दोस्तों, फोटो अपलोड करने से बड़ा तकलीफ होता है, टफ हो जाता है, हार्ड होता है, तो दोस्तों देख सकते हो जैसे मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ऐसे आप लोग को करोगे तो आपका फोटो अपलोड करने में दिक्कत नहीं आ जाएगा दोस्तों, 100% मैं आप लोग को बताना चाहूंगा दोस्तों। देख सकते हो मेरा सिंपल जैसे मैंने सेलेक्ट किया ऑटोमेटिकली दोस्तों अपलोडेड हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे तो दोस्तों सिग्नेचर भी दोस्तों देख सकते हो व्हाइट पेपर में आप लोग को ब्लैक इन करके आप लोग को अपलोड करना होगा दोस्तों, उसका लेस देन 200 KB। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए दोस्तों सिंपली से चूज फाइल बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे चूज फाइल बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों जहाँ पे आपका सिग्नेचर बना के साइज बना के रखा है तो आपको भी आपको हिसाब से सिलेक्ट कर लेना दोस्तों। तो चलो मेरा हिसाब से मेरा सिग्नेचर में फटक से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मेरा सिग्नेचर भी आ चुका है दोस्तों, मेरा फोटो भी आ चुका है दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद फोटो एंड सिग्नेचर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली से प्रोसेस बटन पर क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे प्रोसेस बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा। तो दोस्तों देख सकते हो थोड़ा लोडिंग ले, तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली सबमिटेड हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों एक्नॉलेजमेंट प्रिंट फॉर्म लेने के लिए नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना दोस्तों, सिंपली से प्रिंट एक्नॉलेजमेंट बटन पर सिंपली से क्लिक कर देना दोस्तों। जैसे प्रिंट एक्नॉलेजमेंट बटन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मेरा प्रिंट फॉर्म आ चुका है दोस्तों। तो जहाँ पे आपको सेव करना चाहते हो तो दोस्तों आपको सेव कर लेना दोस्तों।
तो दोस्तों देख सकते हो फाइनली मेरा क्लियर फॉर्म आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे अप्लाई करना होगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन से लेकर क्लियर फॉर्म तक इस वीडियो में आप लोग को देखा होगा दोस्तों। सेम इसी तरह आप लोग को भी फॉलो कर लेना दोस्तों, अगर फॉलो करोगे तो स्किप ना करें, आपको ये आप लोग को समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोग को समझ में आएगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ ब्लैक कलर को भी प्रेस कर देना। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब के रिलेटेड के बारे में इसी चैनल में सारी इन्फॉर्मेशन देखने को भी मिलता रहेगा और पूछते रहेगा। और चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। और जब एडमिट कार्ड भी निकलेगा इस चैनल में मैं आपको सारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।